हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शेफ सुनील आपको अपने देसी विलायती किचन में वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन चीज़ पैटी बर्गर, जो बहुत ही आसान है, बहुत मज़े का बनता है और घर में बनाना बहुत ही आसान है। आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्रश चिलीज 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, मायोनीज 1 टेबल स्पून, मिल्क 10 ml, चेडर चीज़ 2 स्लाइस, ब्रेड 1 स्लाइस, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, 2 अदद बर्गर बंस, चिकन का कीमा 320 ग्राम, टमाटो और लेटस का इस्तेमाल करेंगे। बर्गर की पैटी बनाने के लिए सबसे पहले हम कीमे में क्रश चिलीज ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, नमक हसबे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे और मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे, मिल्क ऐड करेंगे, ब्रेड के स्लाइस को कद्दूकश कर लेंगे और चिकन में ऐड कर देंगे और कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन पैटी का कीमा हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम कीमे की पैटियां बना लेंगे। कीमे की पैटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। ग्लव्स पहनकर हाथ पर ऑयल या पानी का इस्तेमाल करें और पैटी बहुत आसानी से बन जाती है, और ये आप देख सकते हैं। बर्गर की पैटी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन को गर्म कर चुके हैं, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और बड़ी एहतियात से एक एक करके बर्गर की पैटी को इसमें रख देंगे। याद रहे कि बर्गर पैटी की साइड तब चेंज करनी है जब एक साइड से बर्गर पैटी पक जाए। क्योंकि अगर पैटी कुक नहीं होगी एक साइड से तो बर्गर पैटी उठाते वक्त टूट जाएगी, इसलिए इसको एक साइड से अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। और बर्गर की पैटी आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। चिकन बर्गर पैटी हमारी रेडी हो चुकी है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम पैन में ऑयल लेंगे और बर्गर बंस को इसमें अच्छे से कलर देंगे।
बर्गर बंस को अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे और इनको क्रिस्पी कर लेंगे। बर्गर बंस हमारे रेडी हो चुके हैं और गोल्डन कलर भी आ चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले बर्गर बंस पर मेयोनीज इस्तेमाल करेंगे। बर्गर बंस को सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर सलाद का पत्ता इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सलाद का पत्ता खाना पसंद नहीं करते तो आप आइसबर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो के स्लाइस कर लेंगे ताकि हम बर्गर बंस के ऊपर लगा सकें। लेटस लगाने के बाद टोमेटो के स्लाइस ऐड कर देंगे। टोमेटोज के ऊपर चिकन पैटी ऐड कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। चीज लगा चुके हैं, अब हम इसको कवर कर देंगे। चिकन चीज पैटी बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।